खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है और इसके कारण तापमान में भारी गिरावट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी है। मौसम बदलाव के साथ लोगों को गर्मी के साथ उमस से भी राहत मिलेगी। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हेमाराम चौधरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने सीएम भजनलाल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हाल ही में राज्य सरकार ने गहलोत राज्य में बने 17 नए जिलों पर रिव्यू करने का फैसला लिया था। जब एक मीडिया इंटरव्यू में हेमाराम चौधरी से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दे डाला। हेमाराम ने कहा, अब कुछ नहीं होगा भजनलाल से। राजस्थान में नए जिले जो बनने थे वो बन गए। अब भजनलाल का बाप भी से कैंसिल नहीं कर सकता। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत आदिवासी पार्टी अब एनडीए और इंडिया गठबंधन की तर्ज पर अपना नया गठबंधन बनाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए खुद इसका ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया है। बीकानेर कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, पीएम का हमेशा महिला सशक्तिकरण पर फोकस रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया। राजस्थान में सीएम ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण का बड़ा निर्णय लिया। राजस्थान में शिक्षा और नौकरी में पिछड़ी महिलाओं को लाभ मिलेगा। राजस्थान विकसित तब होगा जब महिलाएं आगे बढ़ेगी। बजट को लेकर सुझाव पर पीबीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर से चर्चा की ताकि जरूरत को पूरा किया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार जल संकट गहरा रहा है। एक तरफ जहां लोग गर्मी के प्रकोप से परेशान हैं, तो वहीं दिल्ली में पानी की कमी के बीच सियासत भी गर्मा रखी है। शनिवार को बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतरे। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के कार्यालय के बाहर मटका फोड़ कर प्रदर्शन किया और जमकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का कथित उल्लंघन करने के लिए सुनीता और अन्य के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनीता को नोटिस जारी किया है। बता दें, कोर्ट ने सुनीता को अदालती कार्रवाई का वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कहा कि कल ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की बैठक में हिमाचल प्रदेश ने दोहराया है कि वह दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश ने स्पष्ट किया है कि ऊपरी यमुना के पानी के अपने हिस्से में से उसके पास 130 क्यूसेक अतिरिक्त पानी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया है, क्योंकि ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को गणना का आकलन करने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए दिल्ली ने हरियाणा से मानवीय अपील की है, जिसमें राज्य से दिल्ली के लिए कुछ अतिरिक्त पानी छोड़ने का आग्रह किया गया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों से भी बात की है और पूरी संभावना है कि दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। मैं दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करती हूं कि वे उपलब्ध पानी के सावधानीपूर्वक उपयोग करें। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बहाने बनाना जानती है, जनता को सुविधाएं देना नहीं जानती। उन्होंने दिल्ली को साफ पानी नहीं दिया, बुजुर्गों की पेंशन भी बंद हो गई, दिल्ली में गरीबों के राशन कार्ड नहीं बन रहे, 10 साल से एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना। उन्होंने जनता के लिए काम करना नहीं आता और ना ही सीखने की नियत है। अब उनका समय खत्म हो गया है और दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी को मौका देगी और भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंदर दिल्ली की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक खेत से एक ड्रोन और हीरोइन का पैकेट बरामद किया है। अर्धसैनिक बल के एक प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस के जवानों ने शुक्रवार रात तलाशी अभियान को अंजाम दिया। नीट परीक्षा के मुद्दे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि दुर्भाग्य से कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें बस जांच करनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ये एक गंभीर अपराध है और यहाँ लाखों छात्र के भविष्य का सवाल है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वह हमारे राज्य को खुद परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे, सभी छात्रों को भी भाग लेने दे, हम उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण भी देंगे। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।